पूरी दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो अपने आप में कई राज समेटे हुए हैं, और इन जगहों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बेहद खौफनाक और घातक हैं। इन जगहों पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ मौत ही नसीब होती है। ऐसे ही एक जगह उज्बेकिस्तान में है। उस जगह को कभी जैविक हथियारों की टेस्टिंग का गढ़ माना जाता था, मगर अब यहाँ इंसान का नामोनिशान भी नहीं है। ये जगह आपको जितना हैरान करेगी, उससे भी ज्यादा हैरानी आपको इस जगह के इतिहास के बारे में जानकर होगी। 1920 में सोवियत संघ के लोगों ने इस जगह की खोज की थी। वो लोग इस जगह पर भयंकर हथियारों की टेस्टिंग करते थे। ये हथियार मुख्य रूप से जैविक हथियार थे। इस जगह का नाम वॉजरोजडेनिया है। ये जगह दुनिया के सबसे बड़े जैविक हथियारों के वॉरफेयर के तौर पर प्रसिद्ध हुई थी। सोवियत संघ के लोगों ने यहाँ साल 1948 में जैविक हथियारों को बनाने और उसे टेस्ट करने के लिए एक प्रयोगशाला का निर्माण किया था। इस प्रयोगशाला का नाम एरल्सक 7 था। 1990 में इसे बंद करने से पहले यहाँ कई तरह की बीमारियों की टेस्टिंग और जैविक हथियारों का परीक्षण किया गया था। समय के साथ यहाँ बनने वाले सारे जैविक हथियारों को नष्ट कर दिया गया, मगर एंथ्रोनिक्स कई सदियों तक मिट्टी में रह जाता है। इसी को लेकर वैज्ञानिक मानते हैं कि आज भी यहाँ की जमीन में एंथ्रोनिक्स भारी मात्रा में है। ऐसे में अगर कोई इंसान यहाँ जाता है तो उसकी मौत तय है। अब एरल सागर पूरी तरह सूख चुका है। ये जगह रेगिस्तान में बदल चुकी है। यहाँ का तापमान हमेशा बेहद गर्म हो जाता है। ऐसे में इस जगह पर किसी का भी बच पाना नामुमकिन है।